और इनमें अक्सर केसेस फेक भी होते हैं। हमारे यहाँ नाजमाबाद में एक नौजवान पे जिन चढ़ गया था, उसने उधम मचाई हुई थी, उसके रिश्तेदार उसको लेकर आ गए हमारे उस्ताद के पास, इस पे जिन चढ़ गया कुछ करो, उनको उन्होंने उसको तन्हाई में लेकर गए। अच्छा वो जिन अरबी बोल रहा है, अब ये हैरान हो रहे हैं कि ये तो रक्षा चलाने वाला आदमी है, लड़का है, अरबी कहाँ से आ गई? तो सऊदी अरब से जिन आया है, ये जिन आया कहाँ से? अरबी जिन है। तो इन्होंने दरवाजा बंद करके उसकी लगाई है तबीयत से कुट, बोला मुझे पता है तेरे पे जिन भी नहीं है, तू सच सच बता दे मामला क्या है। जब तबीयत से कुट लग, थोड़ी बहुत कुट से नहीं होता, ये बड़े ड्रामेबाज होते हैं, तबीयत से लगी है ना कुट, तो उसने बोला अच्छा मारो नहीं, आपको बता रहा हूँ मुझे किसी से इश्क हो गया है, मैं अपने ऊपर जिन का बहाना करके मैं कहता हूँ उसके घर लेके जाओ, जब उसके घर जाता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ, तो मुझे बार बार बहाने बहाने से महबूबा के घर लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कम्बख्त तू अरबी कैसे बोल रहा है? कह रहे फजाइल अमाल की जो अरबी इबारतें हैं वो रट के याद की है मैंने। ठीक है, फजाइल अमाल से जो अरबी इबारतें हैं ना वो रट्टा लगा लगा के याद किए, और कुछ अरबी वरबी नहीं आती। हाँ, तो मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो तमाशा मशहूर था, तो हजरत ने इन कुछ लोगों को इनके जिम्मे लगाया कि उठें, जब नहीं उठे ना वो, तो हजरत ने इनको उनको बताया कि इनसे कहो कि मैं आ रहा हूँ और फिर मैं वही तमाचा लगाऊंगा जो उधर लगाया था। तो हजरत फरमाते हैं जैसे ही मैं गया ना एकदम तमीज से उठ के बैठे हुए। अब वो कहाँ गई वो कि मुझसे उठा ही नहीं जाता, मैं हो ही नहीं सकता, मैं कैसे उठूंगा, मैं ये कैसे हूँगा? तो या तो अपने ऊपर कोई तमाचा लगाने के लिए बंदा रखो, वो उठाएगा आपको, और अगर कोई तमाचा लगाने वाला नहीं है मेरे भाई, तो फिर अपने खुद ही तमाचे लगाया करो, सजा दिया करो अपने आप को। जिस दिन फजर की जमात निकल गई, नाश्ता गोल, नाश्ता नहीं करेंगे। हजरत हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि जिस खुदा ने तुम्हें सुबह अपने सामने हाजिरी का हुक्म दिया, सारा दिन खिलाता है पिलाता है, सुबह कह रहे मेरे सामने आ जाओ, तो तुम्हारे मुंह से निवाला उतरता कैसे है जिस दिन फजर छोड़ देते हो? उसके पेड़े तो खा रहे हो जो वो दे रहे तुम्हें, सुबह का नाश्ता वो करे जो फजर की नमाज पढ़े। अल्लाह हमने तेरी इबादत की है, अब हम इसके लायक हैं कि तेरे रिस्क से हम फायदा उठाएं, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, नाश्ते के टाइम पे बैठा हुआ होगा और कैसे बैठ के ऑर्डर कर रहे होते हैं, देर हो रही है मुझे जल्दी लेकर आओ। तो ये अल्लाह के लिए भी तो ऑर्डर होना चाहिए, अल्लाह के लिए भी तो ये हुक्म होना चाहिए कि मुझे देर हो रही है, मुझे नमाज पढ़नी है, मुझे जाना है। तो जब तक मेरे भाई इंसान संजीदा ना हो और अपने आप को सजा ना दे, तो जिन गुनाहों की लत पड़ चुकी होती है वो गुनाह आराम से छूटते नहीं है, उनमें सीरियस होना पड़ता है, जिहाद करना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता वो। अगर अल्लाह ना करे आपको फोहश फिल्मों की आदत पड़ गई है, नौजवानों में ये मर्ज बहुत फैल रहा है, सजा दो अपने आप को, सजा, बोले ये काम अगर मैंने किया तो ये सस्ते में नहीं होगा, इसकी पेनल्टी लगेगी, सजा दूंगा अपने आप को, मैं सस्ते में नहीं छोड़ दूंगा। अगर नमाज छूट गई, सजा दो अपने आप को, गाली जबान से निकल गई, सजा दो अपने आप को। जब सजाएं दोगे तो ये इसकी अलामत होगी वाकई आप आखिरत को चाहने में मुखलिस हो, वरना जबानी दावे जबानी बातें अल्लाह के यहां काबिले कबूल नहीं है। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, इसी में सबर भी है, बेसबरी की भी आदत पड़ती है, मैं सबर करना पड़ता है। हमारे हजरत के एक मुरीद थे, उनको गुस्सा बहुत आता था, फिर गुस्सा जारी करते रहते थे, वो सबर नहीं था उनमें। हजरत को खत लिखा कि मैं अपनी इसलाह चाहता हूँ, मैं गुस्से में पागल हो जाता हूँ। हजरत ने फरमाया जिस दिन गुस्सा जारी करो ना, उनकी तनख्वाह के हिसाब से हजरत ने फरमाया कि इतने पैसे सदका करो। गुस्सा आया, जारी कर दिया, बाद में निदामत हुई कि यार नहीं होना, ज्यादा हो गई, तो क्या करना है? फरमाया 500 रुपए सदका कर दो। ये थप्पड़ है जो अपने ऊपर लगाया जा रहा है। तो शुरू शुरू में तो ऐसा हुआ कि बार बार जब सदका करना शुरू किया तो फिर आदत पड़ना, फिर गुस्से पे कंट्रोल करने की आदत शुरू। एक साहब ने हजरत को खत लिखा, मुझे अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आता है बिला वजह, और उसको मैं हद से ज्यादा फिर डांटता हूं। हजरत ने फरमाया कि जब हद से ज्यादा आप गुस्सा करें ना, तो आपकी सजा यह कि बाद में बीवी से माफी मांगे। अब जिस आदमी को बीवी पे गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा हो, वो तो तकबर की वजह से आता है ना, ये मातहत है तो रोक झाड़ रहे, उसके लिए माफी मांगना आसान काम बोलो नहीं है, क्योंकि माफी मांग के आप तो अपने आप को गोया नीचे कर देते हो, रुस्वा कर देते हो, माफी मांगना आसान थोड़ी है।
तो उसने मुझे बताया कि यार ये काम मेरे ऊपर इतना शाक गुजरता है कि अगर मैंने बीवी पे गुस्सा किया तो बाद में मुझको माफी मांगनी पड़ेगी। ये इतनी टेंशन वाला काम था मेरे लिए कि मैंने कहा गुस्सा ना करो, ये आसान है, गुस्सा करके बाद में माफी मांगना ये बहुत मुश्किल काम है। तो कुछ तो करे, कुछ आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा मेरे भाई।